सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। हम जो आप लोगों को पढ़ा रहे हैं इसकी PDF आपको इस टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाती है, तो आप वहाँ जाइएगा, PDF को लीजिएगा और PDF से इसमें जो क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं उन क्वेश्चंस को आप अपने स्तर पे एक बार सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आप कितना कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं, उसके बाद फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इस वीडियो में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इस वीडियो में हम द हिंदू वोकैबुलरी पढ़ने वाले हैं। आप सब जानते हैं, जो पुराने बच्चे हों, द हिंदू एडिटोरियल जो होता है उस द हिंदू एडिटोरियल की हम वोकैबुलरी इसमें देखेंगे, ताकि हमारे वर्ड पावर बहुत मजबूत हो जाएं। एडिटोरियल हम देखने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा कंप्रिहेंशन पावर मजबूत हो। इसके साथ ही साथ हम SSC प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को भी हम इस सेशन में सोल्व करने वाले हैं। SSC के जो पुराने पेपर्स के जो क्वेश्चंस हैं, चाहे वो ग्रामर के क्वेश्चंस हों, वन वर्ड क्वेश्चंस हों, एडियम्स एंड फ्रेजेज हों, सभी क्वेश्चंस को हम इसमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस सेशन में आप लोगों को एक फुल पैकेज मिलने वाला है। जो बच्चे अपनी तैयारी को धार देना चाहते हैं, जो बच्चे अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, वे बच्चे ज़रूर इस सेशन को पूरा देखें। और यदि चैनल पे पहली बार हैं तो निश्चित रूप से आप इसको सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे और अपने साथियों तक भी इसको ज़रूर पहुँचाएंगे। अब आज का हम अपना सेशन शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का सेशन मैं रामधारी सिंह जी दिनकर के दो लाइनों से करना चाहूँगा। बहुत ही प्रेरक, बहुत ही उत्साह वाली, बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा देने वाली दो लाइनें हैं। आपको लगेगा कि ये लाइनें हमें बार बार गुनगुनानी चाहिए। मोटिवेशन इज की टू मेक एवरीथिंग पॉसिबल। मोटिवेशन से बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल हो जाती हैं, और आप अपने आप को मोटिवेटेड रखिएगा तभी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। लाइनें कैसी हैं देखिएगा। वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। वह प्रदीप, प्रदीप दीपक होता है, वह दीपक, और आपकी दीपक क्या है, आपकी अपनी मंजिल है। आपका जो दीपक आपकी मंजिल है, वह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है। थककर बैठ गया क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। थककर बैठ गया क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। आकर इतना पास थके वो, आकर इतना पास रुके वो, सच्चा सूर नहीं है। थककर बैठ गया क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। आप सब लोग अपनी मंजिल के बहुत नज़दीक हैं, आप सब लोग अपनी सफलता के बहुत नज़दीक हैं, बस आपको रुकना नहीं है। जब तक आप वहां पहुंच नहीं जाते हो तब तक आप लोगों को रुकना नहीं है। मैं आपका साथी, आपके साथ रहूंगा, आपकी सफलता का साथी रहूंगा, आपकी सफलता का हम सफर रहूंगा, बस आप लोग अपना साथ बनाए रखिएगा। अब हम आज का अपना सेशन शुरू करने हैं। आज के सेशन में हमने क्या नया जोड़ा है, आज के सेशन में हम SSC के और भी बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस, आज हमने PQRS शुरू किया है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर PQRS करवाइएगा, PQRS करवाइएगा। ये जो PQRS का हमने क्वेश्चन लिया है, ये SSC CHSL 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे और इस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हम सीखेंगे कि PQRS सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बिना ज़्यादा वक्त लगाए कैसे सॉल्व किया जा सकता है, बस ये सीखने का आज हम प्रयास करेंगे। देखिएगा होता क्या है, PQRS में एक बेस सेंटेंस आपको दिया होता है, यानी एक शुरुआती सेंटेंस आपको दिया होता है और एक अंतिम सेंटेंस आपको दिया होता है। बीच में चार सेंटेंस दिए होते हैं जिनको PQRS नाम दिया होता है। आपका काम ये होता है कि आप उनको सही अरेंज करें, यानी शुरुआती के बाद में पहले क्यू आएगा कि पी आएगा, कौन सा सेंटेंस है, आपको ये अरेंज करना होता है। और ये आप कब कर पाते हैं, जब आपको कंप्रेहेंशन पावर आपका बहुत अच्छा हो, आपका अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत अच्छा हो। और एडिटोरियल इसमें हमारी बहुत मेहनत कर, बहुत साथ देता है एडिटोरियल हमें। एडिटोरियल से चीज़ें हम बहुत अच्छे से सीख जाते हैं, ट्रांसलेशन करना सीख जाते हैं, कंप्रेहेंशन पावर हमारा बढ़ जाता है। और मैं आज आप लोगों को इसके बहुत शानदार लॉजिक भी बताने वाला हूँ।
यदि आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो मात्र 20 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व कीजिएगा देखिएगा, बहुत शानदार तरीका आप लोगों को बताने वाला हूँ। पहला बेस क्वेश्चन पे, बेस सेंटेंस पे चलते हैं। बेस सेंटेंस हमारा, बुक्स आर द बेस्ट कंपनी, किताबें हमारी सबसे अच्छी साथी हैं, सबसे अच्छी दोस्त हैं। उसके बाद हम चलते हैं सीधा सीधा ऑप्शंस पे चलते हैं, बीच में कुछ नहीं पढ़ते, ऑप्शंस में चलते हैं और ऑप्शंस में देखते हैं शुरुआत कहाँ से हो रही है। या तो पी से शुरुआत करें, या क्यू से शुरुआत करें, या फिर किससे शुरुआत करें, एस से शुरुआत करें। तीन ही शुरुआत दे रखी है, दो के क्यू से दे रखी है, यानी या तो पी से या क्यू से या एस से शुरुआत करके देखें, यानी आर से शुरुआत आपको करने की आवश्यकता नहीं है। आर वाले ऑप्शन पे बिल्कुल भी नहीं जाएंगे। सबसे पहले किस पे जाते हैं, पी पे जाते हैं। क्या पी हमारा शुरुआती हो सकता है क्या? यदि पी शुरुआती हुआ तो बाकी देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पी शुरुआत में एक ही जगह। देखिएगा, पी के पास चलते हैं। पहला था हमारा क्वेश्चन, बुक्स आर द बेस्ट कंपनी। उसके बाद पी, देखिएगा पी में क्या लिखा हुआ है, थ्रू बुक्स वी इवन सी देम, वी इवन सी देम। इसका मतलब देम कोई प्रोनाउन है और प्रोनाउन का प्रयोग नाउन के बाद ही हो सकता है, क्योंकि हमें पता ही नहीं देम किसका जिक्र हो रहा है। इसका मतलब पहले कोई सेंटेंस आएगा जिसमें किसी का जिक्र मिलेगा, कोई पीपल होंगे, कोई लोग होंगे जिनके लिए क्या किया गया है, देम यूज किया गया है। इसका मतलब पी से किसी भी हालत में आपके इस अरेंजमेंट की शुरुआत नहीं हो सकती। हो सकती क्या आप बताइए? प्रोनाउन थोड़ी ना शुरू, प्रोनाउन शुरू थोड़ा शुरू करेगा, क्या शुरू करेगा, नाउन शुरू करेगा। यदि प्रोनाउन आया है तो पहले किसी सेंटेंस में उसका नाउन तो होना चाहिए, या फिर बेस सेंटेंस में होना चाहिए। बेस सेंटेंस में भी नहीं है तो इसका मतलब ये शुरुआत एज दे आर, जैसा कि वो जिंदा हो। इसका मतलब किसी आदमी का जिक्र पहले, इसका मतलब क्या नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता भी, पी से किसी प्रकार की शुरुआत नहीं हो सकती। इस ऑप्शन को हमने क्रॉस कर दिया। उसके बाद देखिएगा, क्या क्यू से शुरुआत हो सकती है क्या? दूसरा हमारा ऑप्शन है क्यू, और एक में क्यू के बाद आर है और एक में क्यू के बाद एस है। देखते हैं क्यू से शुरुआत हो सकती है क्या। क्यू क्या है, दे ऑल्सो गिव अस बेस्ट कंपनी, बुक्स आर द बेस्ट कंपनी, दे ऑल्सो गिव द बेस्ट कंपनी। इसका मतलब ये भी नहीं है, ये तो सेम ही बात है। अगर बुक्स के लिए दे आया है, मानो अगर बुक्स के लिए दे आया है तो फिर तो सेम ही बात है, दे ऑल्सो गिव अस बेस्ट कंपनी, दे आर द बेस्ट कंपनी। इसका मतलब दे बुक्स के लिए नहीं आया, कोई और नाउन है, प्लूरल नाउन, जिनके लिए क्या आया है, दे आया है। इसका मतलब इससे भी शुरुआत हमारी नहीं हो सकती। उसके बाद देखिएगा, अब देखिएगा आपके पास ऑप्शन सिर्फ एक बचता है। कौन सा ऑप्शन बचता है, डी ऑप्शन बचता है। आप निश्चित रूप से बिना ज़्यादा सोचे समझे डी के टिक मार्क कर दीजिएगा, डी आपका आंसर बिल्कुल सही होने वाला है। एक बार और चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक करते हैं अब इसको, क्या डी सही है कि नहीं है। देखते हैं, डी की शुरुआत कर रहा है एस से, तो हम भी किससे शुरुआत करेंगे अपनी, एस से करेंगे। ऊपर है बुक्स आर द बेस्ट कंपनी, उसके बाद है दे हेल्प अस, वे हमारी हेल्प करती हैं बुक्स इन स्टेब्लिशिंग, क्या स्टेब्लिशिंग करने में, स्टेब्लिश स्थापित करने में, कॉन्टेक्ट संबंध स्थापित करने में, विद मैनी ग्रेट मैन, बहुत सारे लोगों के साथ हमारे संबंध स्थापित करने में हमारी हेल्प करती हैं। हाँ, ये हो सकता है, इससे शुरुआत आसानी से हो जाएगी। उसके बाद देखिएगा, ये जो है इसके बाद ग्रेट मैन, अब वो देम वाला आ सकता है, क्योंकि ग्रेट मैन आ गया, ग्रेट मैन के साथ अब वो प्रोनाउन आएंगे, ठीक है। तो इसमें देखिएगा एस के बाद क्या है, पी है। एस के बाद आपको क्या मिलेगा, पी मिलेगा। बहुत सीक्वेंस बन जाएगी, थ्रू बुक्स वी कैन सी देम, देम कौन है, ग्रेट मैनी पर्संस, हम उनको देख सकते हैं, एज दे आर रियली अलाइव, जैसा कि वे वास्तव में ही जिंदा हों। अब और देखिएगा आप लोगों को, पहला हमने किससे शुरू कर दिया, किससे शुरू किया था भाई, पी से ना, और पी के बाद हमने क्या कर लिया, हमने एस से शुरू किया था,
ऐसे, और एस के बाद क्या गया हमारा पी। हमें पता चल गया है कि एस के बाद क्या आना चाहिए, पी आना चाहिए। अब देखो चारों ऑप्शन में एस के बाद पी किस किस में है। एस के बाद पी सिर्फ एक में ही है, एस के बाद पी, ये देखो एस के बाद पी एक में ही है। इसका मतलब सही आंसर हमारा क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। उसके बाद देखिएगा इसमें क्यू है, देखते हैं क्यू इसके बाद आता है क्या। दे ऑल्सो गिव अस बेस्ट कंपनी, हाँ वे हमें बेस्ट कंपनी भी देते हैं। और उसके बाद में लास्ट में देखिएगा क्या है इसमें आर, आर इसमें लास्ट में लिया हुआ है। वी हियर वॉट सच ग्रेट मैन सेड और डिड, हम सुनते हैं इन बुक से कि इन लोगों ने क्या किया और क्या कहा। तो इस तरीके से हमने पी क्यू आर एस को सोल्व करने की कोशिश की। बेस्ट मेथड है पी क्यू आर एस सोल्व करने का, आप ऑप्शन से जाइएगा और ऑप्शन से अपने क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सोल्व कर लेंगे। आशा करता हूँ कि चीज़ें आपको बहुत समझ में आएंगी, बहुत अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हो तो अभी एक बार सबके सब लॉग वीडियो को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कर दें, क्योंकि आज हमने पी क्यू आर एस का एक बहुत शानदार कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश की है। इस प्रकार यदि आप प्रैक्टिस करेंगे 10 या 15 कर लेंगे तो भी बहुत है, और यदि एग्जाम तक आप 20-25 पी क्यू आर एस निकाल लेंगे तो आपको 2-4 सेकेंड का टाइम, ज़्यादा से ज़्यादा 20-25 सेकेंड का टाइम लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगना है। अब आते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत शानदार भाई। नेक्स्ट हमारा है सिनोनिम्स पूछेंगे हम। एसएससी सीजीएल टीयर फर्स्ट 2014 में के जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को लेंगे, दोनों क्वेश्चन वहीं आए हुए हैं, दो क्वेश्चन लेंगे हम। वर्ड क्या देखिए हमारा एमिकेबल, क्या वर्ड है एमिकेबल, वर्ड है हमारा एमिकेबल। ऑप्शंस क्या हैं वो देख लो, पहला ऑप्शन है फ्रेंडली, दूसरा ऑप्शन है हैप्पी, तीसरा ऑप्शन है परफेक्ट और चौथा ऑप्शन है जॉयस। आप समझ रहे होंगे कि एसएससी एक पैटर्न फॉलो करता है, देखो हैप्पी खुश, जॉयस खुश, ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर वर्ड। एक वर्ड आपको अलग मिलेगा परफेक्ट और फ्रेंडली, ये दो अलग वर्ड मिलेंगे, ये दो तो आप वैसे ही छांट लो। यदि आप वहाँ तुक भी लगाना चाहो तो दो तो आपको सिमिलर मिलेंगे, यानी इसका उससे कोई मतलब नहीं है, हर बार ये देखा हमने। अब हमारे पास दो बच गए, परफेक्ट और एक क्या है फ्रेंडली। तो परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण, और इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ता है, थोड़ा वर्ड याद करना पड़ता है। अब एक बार इसके ऑप्शन हम बाद में देखेंगे, पहले हम देख लेते हैं कि एमिकेबल वर्ड होता क्या है। देखिए एमिकेबल वर्ड जो है इसका जो रूट वर्ड है, हमने आपको कहा कि हम आपको इस सेशन में आज रूट वर्ड पढ़ाने वाले हैं, इसका जो रूट वर्ड है वो एमिस है, AMIUS। एमिस एक लैटिन वर्ड होता है, एमिस एक लैटिन वर्ड है, और इस एमिस लैटिन वर्ड का मतलब फ्रेंड होता है, दोस्त होता है एमिस का। जहां कहीं भी आपको एमिस वर्ड मिलेगा उसका मतलब क्या होगा, फ्रेंड होगा। समझ में आ रही चीजें, ये रूट वर्ड है। और इसका मतलब फिर क्या हुआ एमिकेबल का, एमिकेबल का मतलब हो गया फ्रेंडली, कॉर्डियल, फ्रेंडली दोस्ताना, कॉर्डियल, पोलाइट, ब्रदरली, और उसके बाद एक वर्ड आप और याद करेंगे हार्मोनियस। ये वर्ड, दो वर्ड जो हैं आप इन दो वर्ड को अच्छे से याद कर लीजिएगा। फ्रेंडली आप जानते हैं, एमिकेबल आपके याद रह जाएगा, एमिस वर्ड से बना हुआ एमिकेबल दोस्त होता है, फ्रेंडली हो गया, पोलाइट आप जानते हैं, ब्रदरली आप जानते हैं, दो वर्ड आप याद कर लीजिएगा हार्मोनियस और कॉर्डियल, CORDL। कॉर्डियल का मतलब भी होता है बहुत ही दोस्ताना व्यवहार तरीके से, और हार्मोनियस का मतलब भी होता है बहुत ही फ्रेंडली मैनर जो होता है उसको कहते हैं। दो वर्ड नए हैं, इन दोनों वर्ड्स को आप याद कर दें, कॉर्डियल ठीक है और हार्मोनियस, दो वर्ड आप इनको याद कर लेंगे। तो अब आप समझ गए होंगे कि एमिकेबल का जो सिमिलियर वर्ड है वो कौन सा है, फ्रेंडली है। कौन सा वर्ड है, फ्रेंडली। अब देखिएगा अपन देखते हैं इसमें अदर वर्ड्स फ्रॉम द रूट वर्ड एमिस, एमिस वर्ड से और दूसरे कौन से रूट वर्ड्स हैं उनको अपन देखने की कोशिश करते हैं। एक तो वर्ड बनता है एमिएबल, एमिएबल, ये क्या था एमिकेबल, क्या वर्ड मिल सकता है एमिएबल वर्ड भी मिल सकता है, और एमिएबल वर्ड का मतलब भी क्या होता है, फ्रेंडली होता है। चीज़ें समझ में आ गई। उसके बाद देखिएगा एक वर्ड आपको मिलेगा एमिटी, AMITY, एमिटी।
AMIT, एमिटी। एमिटी का मतलब तो दोस्ताना, और ये स्पेशली किसके यहाँ यूज होता है, फ्रेंडली रिलेशंस बिटवीन द नेशंस। फ्रेंडली रिलेशन, जब राष्ट्रों के बीच में दोस्ताना व्यवहार होते हैं तो उसको क्या कहते हैं, एमिटी कहते हैं। देर इज स्ट्रॉन्ग एमिटी बिटवीन इंडिया एंड रसिया, देर इज स्ट्रॉन्ग एमिटी, मित्रवित व्यवहार होना, मित्रता होती है। तो क्या वर्ड पढ़ा मैंने आज भी, रूट वर्ड कौन सा पढ़ा, एमिस रूट वर्ड पढ़ा, जिसका मतलब फ्रेंड होता है, जिससे एमिकेबल वर्ड बनता है, एमिएबल वर्ड बनता है, एमिटी वर्ड बनता है। तीन वर्ड इससे बनते हैं और तीनों वर्ड्स आप क्या कर लेंगे, याद कर लेंगे, जिसमें एमिटी जो है ये एक नाउन है और एमिएबल और एमिकेबल दोनों के दोनों क्या है, ये एडजेक्टिव है दोनों। एग्जाम्पल्स देख लो, एग्जाम्पल से चीजें और समझ आ जाएंगी। आई होप, मुझे आशा है, दे विल रीच, वे पहुंचेंगे। एमिकेबल, देखो ये जो मैं आपको एग्जाम्पल लिखवा रहा हूँ, एक वर्ड कलोकेशन होता है, COLLOCATION, शब्दों को याद करने का एक तरीका ये होता है कि वे शब्द ज्यादातर कौन से शब्दों के साथ यूज होते हैं, उनको सही यूज कहाँ किया जाता है। एक तो इसका क्लोज टेस्ट से बड़ा संबंध होता है, अगर क्लोज टेस्ट आप सोल्व कर रहे हैं तो आपको वहां चीजें समझ आएंगी, और एक आपको मीनिंग ठीक से लग जाएंगे इसमें, तो पता होना चाहिए कि वो कहाँ कहाँ आते हैं, याद करने में आसानी रहती है। तो आई होप, मुझे आशा है, दे विल रीच एमिकेबल एग्रीमेंट। एमिकेबल के साथ एग्रीमेंट वर्ड आएगा या तो, या सेटलमेंट आएगा, या फिर क्या आएगा, टर्म्स आएगा, एमिकेबल टर्म्स, या फिर क्या आएगा, एटमोसफेयर आएगा। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा, इनको याद हो जाएंगे। एमिकेबल एग्रीमेंट यानी मित्रवत समझौते पर पहुंच गए, बिना किसी झगड़े के वो कहां पहुंच गए, समझौते पर पहुंच गए, एमिकेबल एग्रीमेंट। उनका जो सेटलमेंट हुआ वो कैसा हुआ, एमिकेबल सेटलमेंट हुआ, बिना कोई वाद विवाद के। एमिकेबल टर्म्स, जो कंडीशंस हैं उनमें कोई वाद विवाद नहीं है। और एमिकेबल एटमोसफेयर, जो वातावरण है वो कैसा है, एमिकेबल है, दोस्ताना वातावरण है। आपके घर में कैसा वातावरण है, एमिकेबल एटमोसफेयर है, कैसा है, एमिकेबल एटमोसफेयर है। तो बेटा इस तरीके से आपको चीजें याद रखनी चाहिए। आशा करता हूं कि वर्ड आपको समझ आ गया होगा, न केवल एमिकेबल आ गया होगा बल्कि एमिएबल भी आ गया होगा, एमिएबल भी आ गया होगा और एमिटी भी आ गया होगा, AMITY, एमिटी। तो ये वर्ड्स हैं, आपको यदि ठीक लग रहा हो तो आप पे एमिटी और एमिएबल वर्ड से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे, आपको कितना ठीक लग रहा है, कैसे आप सेंटेंस बना पाते हैं, जरूर लिखिएगा। उसके बाद में देखिएगा नया वर्ड आता है हमारा, दूसरा वर्ड। इसके बाकी ऑप्शंस भी देखते हैं क्या क्या है, बाकी तो हैप्पी है, परफेक्ट है, जॉयस है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा देखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपका SSC टीयर फर्स्ट में पूछा है 2014 में। वर्ड है हमारा दूसरा, ये वर्ड देखिएगा आप लोगों के साथ है, इस वर्ड को हम देखते हैं, कौन सा वर्ड है, एमपीवीएस होता है, एमपीवीएस, रे साइलेंट होता है, इसको एमपीवीएस बोलते हैं, IMPERVIOUS, एमपीवीएस वर्ड होता है। अब उसके ऑप्शन देखिए, ओडेसियस वर्ड है, ये वर्ड है, हफ हजार्ड ये वर्ड है, और उसके बाद में एक वर्ड है इम्पेनेट्रेबल, एक वर्ड है इम्पेनेट्रेब्रेव, और उसके बाद है कि इलॉजिकल। तो पहले तो ये देखिए कि आप में से कौन सा वर्ड इसमें से आपको आता है, जो वर्ड आता है उसको छोड़ देते हैं हम, इलॉजिकल शायद ये शब्द सबको आता है, लॉजिकल होता है, लॉजिकल तार्किक, इलॉजिकल जिसमें कोई तार्क नहीं हो, इलॉजिकल। हो सकता है बाकी वर्ड आपके लिए क्या हो, नए हो, तो इन शब्दों को हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। पहले देखिए इम्पीवियस का मतलब क्या होता है, देखिएगा एम्पीवियस का मतलब होता है अभेद्य, जिसको भेदा नहीं जा सकता हो, अप्रभावित, अप्रभावित जो बाकी चीजों से अप्रभावित रहे, यानी जिसको भेदा नहीं जा सकता हो, इसका ये मतलब होता है। वर्ड, इस वर्ड को आप याद कर लीजिएगा, ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, तो एम्पीवियस भी पूछते हैं और इसका सिमिलियर कई बार ये देते हैं, इम्परमिएबल, इम्परमिएबल वर्ड होता है, जिसको भेदा नहीं जा सके, जिसके आर पार नहीं जाया जा सके, उसको कहते हैं इम्पर्मिएबल कहते हैं, IMPERMEABL, क्या होता है, इम्पर्मिएबल वर्ड होता है, इसको याद कीजिएगा। इसके बाद इसका एक सिमिलर वर्ड होता है, वो भी याद कीजिएगा, इम्प्रेग्नेबल,
इम्प्रेमेबल और इम्प्रेग्नेबल जो वर्ड होते हैं, दोनों के दोनों वर्ड क्या होते हैं, अभेद्य वाले होते हैं, जिनको भेदा नहीं जा सकता हो। और एक वर्ड तो पेनेट्रेट, PENETRATE, पेनेट्रेट का मतलब होता है किसी चीज को भेदना, और इम्पेनेट्रेबल जिसको भेदा नहीं जा सकता हो। तो इसका सिमिलियर वर्ड जो है वो मिल गया, कौन सा, इम्पेनेट्रेबल मिला बेटा, कौन सा शब्द मिला, इम्पेनेट्रेबल। याद कीजिएगा, आपका जो जोश है, आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो उत्साह है, वो कैसा है, इम्पेनेट्रेबल है, उसको भेदा नहीं जा सकता, उसको क्या नहीं कहते, इम्पेनेट्रेबल है। पेनेट्रेबल का मतलब किसी चीज़ के पार आर पार कर देना, उसको पेनेट्रेबल कहते हैं, किया जा सके, और इम्पेनेट्रेबल। तो शायद वर्ड तो आपको समझ में आ जाएगा, इम्पीवियस का क्या होता है, इम्पेनेट्रेबल होता है। ठीक है, आप देखिएगा इसको हम कहाँ यूज करते हैं वो देखिएगा लोग। सी वॉज इम्पीवियस टू क्रिटिसिज्म, उसको क्रिटिसिज्म का प्रभाव नहीं पड़ता है। इम्पीवियस का मतलब अप्रभावित होना। एक वर्ड और ध्यान रखना आप लोगों, इम्पीवियस के बाद जो प्रपोजिशन आता है वो टू प्रपोजिशन आता है। हमेशा इसके बाद कौन सा प्रपोजिशन मिलेगा, टू प्रपोजिशन मिलेगा। तो ये भी ध्यान रखना, इम्पीवियस टू होता है। सी वॉज इम्पीवियस टू क्रिटिसिज्म, या फिर पेन, उसको क्रिटिसिज्म का प्रभाव नहीं पड़ता है, क्रिटिसिज्म से अप्रभावित रहती है। पेन पीड़ा से प्रभावित रहती है, चार्म किसी चीज़ के आकर्षण से प्रभावित रहती है, या फिर अप्रिसिएशन, किससे, अप्रिसिएशन, आप झूठी झूठी प्रशंसा कर दें तो भी उसके कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो बहुत स्ट्रांग मजबूत है, इम्पर्मिएबल है, इम्प्रेग्नेबल है। समझ में आ गई बात, ये अप्रभावित होना आप यहाँ से याद करना शुरू करेंगे इसको, तब वर्ड याद रहेगा, इम्पेवियस टू क्रिटिसिज्म, पेन, चार्म। और आपको एग्जाम में यदि कोई वर्ड मिलेगा तो निश्चित रूप से इनके बाद में ऐसा ही कोई वर्ड मिलेगा। इसको कलोक्वेशन कहते हैं, शब्दों को याद करने का यही तरीका होता है, आपको यही वर्ड मिलेंगे इनके बाद पक्का। तो इसलिए इसी तरीके से याद करें, अकेला वर्ड याद करोगे इम्पीवियस 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 याद ही नहीं रहेगा। तो इम्पीवियस टू क्रिटिसिज्म, इम्पीवियस टू पेन, आई एम इम्पीवियस टू पेन, मुझे पीड़ा का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मुझे मेरी मंजिल दिख रही है। तो ये वर्ड था हमारा इम्पीवियस। अब इसमें दूसरा वर्ड देखिएगा, ओडेसियस वर्ड है, ODACIOUS, इसका मतलब क्या होता है, जो डरता नहीं हो, उसको क्या कहते हैं, ओडेसियस कहते हैं, जो बोल्ड हो, BOLD, बोल्ड हो, डेयरिंग DARING, डेयरिंग हो, फियरलेस हो, इसके सिमिलर वर्ड मैंने लिखे हैं यहाँ देखो, बोल्ड, डेयरिंग, फियरलेस, ब्रेव, ये सारे के सारे वर्ड किसके हैं, ओडेसियस के वर्ड हैं। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही इज एन ओडेसियस राइटर और सोल्जर, वह बहादुर राइटर है या फिर क्या है, सोल्जर है। इस तरीके से आप चीज़ों को ये अच्छे से याद कर लेंगे। अकेला वर्ड यदि आपने याद करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से याद नहीं होगा। आप इसको सोल्जर के साथ याद करो, आप इसको किसके साथ याद करो, राइटर के साथ याद करो, तो चीज़ें बहुत आसानी से आपको याद रह जाएंगी। आप अपने लिए कर लो, आई एम एन ओडेसियस राइटर, आई एम एन ओडेसियस प्लेयर, आप इस तरीके से कहीं भी इसको सेट करके अपने साथ याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिएगा हाफ हजार्ड, बहुत शानदार वर्ड है ये भी, इसके ऑप्शन भी बहुत अच्छे हैं, यहाँ से हम बहुत चीज़ें सीखेंगे। हाफ हजार्ड देखिएगा क्या है, हाफ हजार्ड का मतलब होता है बेतरतीब तरीके से। आपकी तैयारी कहीं बेतरतीब तो नहीं है ना, यदि बेतरतीब तरीके से जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित रूप से फेल होने वाले हैं। एक दिन ये वीडियो देख लिया, दूसरे दिन दूसरी बुक पढ़ ली, तीसरे दिन पढ़ाई नहीं, चौथे दिन पढ़ाई नहीं, पांचवें दिन कुछ और देख लिया थोड़ा बहुत, यानी कोई व्यवस्थित नहीं है, कोई नोट्स नहीं बना रहे हैं, कोई व्यवस्थित ढंग से तैयारी नहीं कर रहे हैं, कभी लगा तो पढ़ लिया, नहीं लगा तो नहीं पढ़ा, ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर वो क्या होंगी, हाफ हजार्ड मैनर होगा। कैसा तरीका होगा उनका, वो हाफ हजार्ड मैनर होगा, यानी अव्यवस्थित तरीका होगा, बेतरतीब तरीका होने वाला है। कम से कम यू शुड नॉट प्रिपेयर इन ए हाफ हजार्ड मैनर, बोलिएगा मेरे साथ थे चीज़ें याद हो जाएंगी। यू शुड नॉट प्रिपेयर, आपको तैयारी नहीं करनी चाहिए इन ए हाफ हजार्ड मैनर, हाफ हजार्ड मैनर में नहीं करनी चाहिए। कैसे मैनर में नहीं करनी चाहिए,
वेल प्लांड मैनर में करनी चाहिए आपको। कैसी करनी चाहिए? वेल प्लांड मैनर में करनी चाहिए, सिस्टमेटिक ढंग से करनी चाहिए। इसका मतलब ये इसके उल्टे हैं, सिस्टमेटिक ढंग से करनी चाहिए, मेथडोलिकली करनी चाहिए। तो देखिएगा हाफ हजार का मतलब होता है बेतरतीब, अनप्लान्ड बिना किसी योजना के, अनसिस्टमेटिक बिना किसी सिस्टम के, अनमेथोडिकल बिना किसी मेथड के। एक मेथड तो अपनाना पड़ता है ना भाई, हमने एक मेथड अपना रहा है कि हम एसएससी के क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद में द हिंदू देखेंगे, और एसएससी में या बैंकिंग में या एयरफोर्स में और आपको चाहिए क्या इंग्लिश में? सिर्फ यही तो चीज़ें चाहिए आपको, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मिल रही हैं। तो बस एक सिस्टमेटिक तरीके से आप इसको लेके चलिएगा। क्वेश्चन देखिए क्या होता है, ए हाफ हजार्ड वे, बेतरतीब तरीका, मैनर, हाफ हजार्ड मैनर, हाफ हजार्ड फैशन और हाफ हजार्ड बिगनिंग, बेतरतीब शुरुआत हो गई किसी की। तो आप इस तरीके से ये इनके साथ वर्ड मिलेंगे आपको, चाहे वो एग्जाम में मिलें चाहे वो न्यूज़पेपर में मिलें, इनके साथ आपको ये ही शब्द मिलने वाले हैं। तो आप इस तरीके से इस वर्ड को याद कर लेंगे। मुझे लगता है कि आज आपने 10-15 वर्ड तो अभी तक सीख लिए होंगे और बहुत सारे वर्ड सीखने वाले हैं। बस आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आप मान ही लो कि आपको वीडियो कैसे भी करके अंत तक देखना है, आप 20 दिन लगातार वीडियो को देखिएगा, आप खुद कहेंगे, उसके बाद मैं नहीं कहूँगा आपको। अभी मैं कहता हूँ कि शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ये कीजिएगा, वो कीजिएगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि आप लगातार 25 दिन वीडियो देख लीजिएगा, 26वें दिन आप कहेंगे कि सर हम इसको खूब शेयर करने वाले हैं, लाइक करने वाले हैं, वीडियो कब आने वाला है, आप वेट करेंगे जैसे अभी मैं व्यूज़ का वेट करता हूँ, कितने व्यूज़ आने वाले हैं, 25 दिन के बाद आप करने वाले हैं, ये मेरा आप लोगों से वादा है। अब आते हैं अपन क्वेश्चन ऑफ द डे, किस पे आते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे, ये ग्रामर के क्वेश्चन है भाई, एसएससी सीजीएल के क्वेश्चन हैं। कहाँ आया हुआ है? टीयर सेकंड 2013। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, द डिजीज स्प्रेड, डिजीज फैल गया थ्रू आउट पूरे द विलेज, पूरे विलेज में फैल गया, बिकॉज इट वॉज हाईली, क्योंकि यह बहुत ज़्यादा क्या था, बहुत ज़्यादा फैला है, इसका मतलब क्या था? अब आपको कई कई वर्ड इसमें मिलेगा। पहला वर्ड है कंटेजियस, दूसरा वर्ड करेजियस, तीसरा वर्ड नोजियस, ये होता है नोजियस वर्ड होता है ये नोजियस, और तीसरा वर्ड आपको आउटरेजियस, ठीक है। अब बताइए इसमें कौन सा आएगा। देखिए एसएससी जो क्वेश्चन पूछती है उसमें वर्ड पावर का बड़ा महत्व होता है। आपने देखो ज़्यादातर क्वेश्चन में आपको वर्ड पावर पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयारी करें अपनी। एक वर्ड देखते हैं अपन, कौन सा था बताइए इसमें क्या आएगा? कंटेजियस वर्ड आएगा इसमें, ये तो आप जान गए होंगे कंटेजियस आएगा। कंटेजियस का मतलब होता है जो इन्फेक्टियस हो, कम्युनिकेबल हो, ट्रांसमिसेबल हो। ट्रांसमिसेबल का मतलब होता है जो एक से दूसरे पर फैलता हो, उसको कंटेजियस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कंटेजियस हो जाएगा। करेजियस का आप जानते ही हो, साहसी होता है। नोजियस, नोजियस का मतलब घिनौना होता है, NAUSEOS, नोजियस का मतलब क्या होता है? घिनाना होता है। इसके साथ स्मेल वर्ड आता है कई कई बार, NAUSEOS, नोजियस स्मेल आता है, घिनौनी स्मेल जो होती है इसके आता है। आउटरेजेस, और ये बहुत ज़्यादा अपमानजनक या गुस्सा दिलाने वाला होता है इस वर्ड का मतलब, ठीक है। तो आप लोगों से यदि आप बहुत अच्छा सीखना चाह रहे हैं तो ये कंटेजियस का मैंने बता दिया है, आप इनमें से कितने वर्ड्स को सेंटेंस में यूज़ कर सकते हो, जितने ज़्यादा वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करोगे उतने ही ज़्यादा याद रहेंगे। तो आप पे इन तीनों वर्ड्स को, कौन कौन से, इसको, इसको और इसको, इन तीनों वर्ड्स को आप पे सेंटेंस में यूज़ करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताएंगे। मुझे पता है कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो रेगुलर कर रहे हैं और बहुत अच्छा भी कर रहे हैं। अब आते हैं अपन कॉमन एरर्स ऑफ द डे, कॉमन एरर में पूछते हैं। एसएससी एफसीआई का जो 2012 का जो एग्जाम हुआ था उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, पहले आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो इसको। आपके साथ ये क्वेश्चन है, ये देखिएगा आपके पास क्वेश्चन मिल गया, आप इसको सोल्व करने की कोशिश कीजिएगा, उसके बाद फिर हम इसको सोल्व करेंगे।
कर लिया होगा आपने, माई सिस्टर एंड माई सेल्फ आर प्लीज टू एक्सेप्ट योर इन्विटेशन टू डिनर, और लास्ट वाला शायद नो एरर है यहाँ। कहाँ एरर है भाई इसमें देखिएगा, पहला तो एंड से जुड़े हुए हैं इसलिए आर आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। आर प्लेस्ड ये भी सही है, टू के बाद में एक्सेप्ट आ गया ये भी ठीक है, योर इन्विटेशन ये भी ठीक है, इन्वाइट के बाद टू आता है, टू डिनर भी ठीक है। तो एरर कहाँ है इसमें, एरर ये है देखिएगा, ये माई सेल्फ नहीं आना चाहिए, ये क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, आर ई एफ एल ई एक्स आई वी, इसको कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, ये सब क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और इनको कभी भी सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, ये अकेले कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकते। सॉरी भाई, क्लियर होगी बात। और यहाँ ये क्या है, माय सिस्टर एंड माय सेल्फ सब्जेक्ट है ना, तो ये कभी भी अकेले सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता है। तो क्या हो सकता थे, माय सिस्टर एंड आई ये होना चाहिए था, ये तो, या फिर यदि आपको माय सेल्फ लिखना ही है तो आई के साथ माय सेल्फ लिखा जा सकता है, आई माय सेल्फ, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है ध्यान से देखिएगा, एक एक कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कभी दिक्कत नहीं हो। क्या कॉन्सेप्ट है इसमें समझिएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है उसको सब्जेक्ट के रूप में यूज नहीं किया जा सकता, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कैनॉट बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट। तो ये चीज़ें आपके समझ में, एरर कहाँ था इसमें समझ में आ गए। आप देखते हैं अपन एडियम ऑफ द डे, क्या देखेंगे भाई एडियम ऑफ द डे, पेशेंस बनाए रखना है, बोर होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो बोर होते हैं उनकी तैयारी पूरी नहीं होती है, तैयारी करनी पड़ती है। एडियम ऑफ द डे हरक्यूलियन टास्क, क्या है हरक्यूलियन टास्क, टास्क यानी काम होता है, और हरक्यूलियन का मतलब होता है वो टास्क जिसमें बहुत ज़्यादा प्रयास एफर्ट्स की जरूरत होती हो, जिसमें बहुत ज़्यादा मेहनत की जरूरत होती हो, वो प्रयास है हरक्यूलियन टास्क होता है, इसको हरक्यूलियन टास्क, ठीक है। तो आप याद कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, आपकी जो तैयारी है वो भी क्या है हरक्यूलियन टास्क है, टू प्रिपेयर फॉर एसएससी एग्जामिनेशन इज ए हरक्यूलियन टास्क, ऐसे याद कर लीजिएगा आप इसको, टू प्रिपेयर फॉर एन एसएससी एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर फॉर एयरफोर्स एग्जामिनेशन, टू प्रिपेयर फॉर नेवी एग्जामिनेशन इज ए हरक्यूलियन टास्क, इसको याद कीजिएगा हरक्यूलियन टास्क को, याद हो गया होगा। ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन है टास्क विच रिक्वायर्स इनर्मस कैरेज, इनर्मस का मतलब तो विशाल होता है, बहुत ज़्यादा, इसमें बहुत ज़्यादा साहस की जरूरत हो, नहीं। दूसरा ए टास्क विच रिक्वायर्स ग्रेट एफर्ट, हाँ ये सही है, ए टास्क विच रिक्वायर्स लिटिल एफर्ट, टास्क जिसमें बहुत कम प्रयास चाहिए, ए टास्क विच रिक्वायर्स लॉट ऑफ पेशेंस, तो इसका सही पेशेंस या साहस धैर्य होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अपन चलते हैं द हिंदू वोकैबुलरी एंड ग्रामर, आज का सेशन ये जून 2020 का है, 8 जून। आज से हमने थोड़ा किया क्या है कि एडिटोरियल को हमने दूसरे ढंग से प्रयाने का प्रयास किया है, यदि आप चाहेंगे तो एडिटोरियल का एक बिल्कुल अलग सेशन जिसमें केवल एडिटोरियल होगा, क्योंकि लंबा हो जाता है वीडियो, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, लगभग 40-50 मिनट के आसपास तो अभी हो रहा है, फिर अगर एडिटोरियल करेंगे तो कम से कम 30-35 मिनट मुझे एडिटोरियल में चाहिए, और यदि उससे कम करता हूँ तो फिर एडिटोरियल में बहुत सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि मैं चीज़ें एक्सप्लेन कर सकता था नहीं कर पाया। तो यदि आप चाहेंगे तो हम एडिटोरियल का एक अलग से क्लास कर लेंगे, लेकिन कुछ यहाँ भी करने की कोशिश की है मैंने, एडिटोरियल के कुछ सेंटेंसेस को यहाँ टाइप कर लिया है इस पीडीएफ के साथ, और उनको हम एक्सप्लेन करेंगे, पूरा एडिटोरियल तो नहीं हो पाएगा लेकिन कम से कम 4-5 सेंटेंस लगभग आधे के आसपास हम यहाँ करते हैं। तो आज का जो द हिंदू का एडिटोरियल है उसका नाम क्या है, अपर हैंड, अपर यानी ऊपर वाला, हैंड यानी हाथ, यानी ऊपर की स्थिति है इसमें, अपर हैंड का मतलब है ऊपर की। एडिटोरियल किससे संबंधित है, एडिटोरियल है अभी जो राज्यसभा में चुनाव हो रहे हैं उस चुनावों से संबंधित है, बीजेपी का राज्यसभा में अभी मेजोरिटी नहीं है, बहुमत नहीं है, तो चुनावों में प्रयास कर रहा है कि उसको वहाँ भी क्या मिल जाए, मेजोरिटी मिल जाए, इस प्रकार का कोई आर्टिकल आज का है। तो इस आर्टिकल के क्वेश्चंस
और सेंटेंसेस हमने यहाँ ले लिए। देखो पहला सेंटेंस है इस आर्टिकल का, बिल्कुल आर्टिकल का ही सेंटेंस है इसमें, वहीं से हमने इसको टाइप किया है। क्या है देखिएगा, द बैटल फॉर राज्यसभा, बैटल यानी युद्ध, फॉर राज्यसभा, राज्यसभा के लिए, फॉर राज्यसभा कंट्रोल, राज्यसभा में नियंत्रण के लिए। बैटल किसके लिए है, अभी जो ये हो रहा है राज्यसभा के चुनाव जो हो रहे हैं, राज्यसभा में नियंत्रण के लिए जो बैटल है, द बैटल फॉर, बैटल नाउन है यहाँ, फॉर प्रेपोजिशन है, द आप जानते हैं आर्टिकल है, बैटल के साथ आर्टिकल द क्यों लगा भी, कौन सा बैटल, राज्यसभा में कंट्रोल वाला बैटल, इसलिए बैटल क्या हो गया, डेफिनेट हो गया, इसके साथ द का प्रयोग हो गया। द बैटल फॉर राज्यसभा कंट्रोल इज, इज सब्जेक्ट कौन है यहाँ, बैटल सब्जेक्ट है, इसलिए क्या गया इज आ गया, इज क्रूशियल, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही निर्णायक है, तो क्रूशियल वर्ड को हम पढ़ेंगे आज, क्रूशियल का मतलब होता है बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक, फॉर द बीजेपी, किसके लिए, बीजेपी के लिए। पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है, इसलिए देखो यहाँ आर्टिकल द का प्रयोग किया हुआ है। फॉर द बीजेपी टू पुश, क्या करने के लिए, आगे ले जाने के लिए, पुश यानी धक्का मार के आगे ले जाने के लिए, इट्स एजेंडा, अपने एजेंडे को आगे ले जाने के लिए, विदाउट रेजिस्टेंस, बिना प्रतिरोध के, रेजिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध, किसके बिना भाई, बिना प्रतिरोध के, तो क्या मतलब है इसका, बैटल ऑफ राज्यसभा पे कंट्रोल का जो बैटल है ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसके लिए, बीजेपी के लिए, अपने एजेंडे को बिना प्रतिरोध के आगे ले जाने के लिए। तो ये पहला सेंटेंस था आज के एडिटोरियल का, हमने इसको समझ लिया। अब हमने इसके इम्पोर्टेंट जो वर्ड्स थे उनको भी यहाँ लिख लिया। पहला वर्ड क्रूशियल था, इसका मतलब होता महत्वपूर्ण या निर्णायक होता है। इसके सिमिलियर वर्ड होते हैं क्रिटिकल, डिसाइसिव, निर्णायक, इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण, वाइटल, बहुत महत्वपूर्ण, और सिग्निफिकेंट का मतलब भी होता है बहुत ही महत्वपूर्ण। दूसरा वर्ड हमने क्या पढ़ा इसमें, रेजिस्टेंस, ये वर्ड पढ़ा, इसको भी हमने यहाँ लिख लिया। रेजिस्टेंस ये वर्ड है हमारा, रेजिस्टेंस, इसका मतलब होता है प्रतिरोध, अपोजिशन, विरोध। डेफियंस, डिफाई वर्ड होता है, डिफाई, DFY, किसी बात को नहीं मानना, प्रतिरोध होता है इसका मतलब भी। उसके बाद में स्ट्रगल, संघर्ष, और कन्फ्रंटेशन, कन्फ्रंटेशन मतलब आपस में विवाद की स्थिति होना, कन्फ्रंटेशन का मतलब ये होता है। तो ये सब के सब किसके सिमिलियर वर्ड थे, रेजिस्टेंस के सिमिलियर वर्ड थे। अब आते हैं अपन इस एडिटोरियल के दूसरे सेंटेंस में। दूसरा सेंटेंस क्या है देखिएगा, द बीजेपी, हमने जान लिया कि पॉलिटिकल पार्टी से पहले द का प्रयोग, वन उसने जीती है, टू कंसेक्यूटिव मेजोरिटीज, दो लगातार बहुमत जीते हैं। मेजोरिटीज का मतलब होता है बहुमत, बीजेपी ने दो लगातार बहुमत जीते हैं किसमें, इन द लोकसभा, लोकसभा में, बट लेकिन, बट एन लेकिन, स्टिल अभी भी, स्टैंड शॉर्ट, स्टैंड शॉर्ट का मतलब होता है कम पड़ना, स्टैंड शॉर्ट, अभी भी पीछे है, कम है, ऑफ वन, एक से अभी भी कम है, इन द राज्यसभा, किसमें, राज्यसभा में। उन्होंने दो बार क्या किया है, जीता है कहाँ, राज्यसभा में, सॉरी लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में एक बार भी उनका क्या नहीं हुआ है, बहुमत नहीं आया है। तो ये इसमें कहना चाह रहे थे। तो इसमें इम्पोर्टेंट वर्ड कौन सा था, कंसेक्यूटिव वर्ड था, उसको हमने यहाँ लिख लिया है। इसका मतलब सक्सेसिव, लगातार, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। तो ये दूसरा सेंटेंस था, इसमें और कोई ग्रामर का बिंदु हमें ज़्यादा लगा नहीं। उसके बाद फिर एक सेंटेंस हमने लिया है। देखिए पूरा एडिटोरियल पढ़ाने का कोई विशेष सेंस भी नहीं रहता है, पूरा एडिटोरियल में सारे के सारे सेंटेंसेस इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोगों को भी एक सीमा के बाद वीडियो बोरिंग लगने लग जाता है, तो हमने ये तरीका अपनाया है। आप ज़रूर बताइएगा कि एडिटोरियल को अलग से करवाया जाए या फिर इतना करवा के पर्याप्त है। देखिएगा द लैक ऑफ अ मेजोरिटी, लैक का मतलब होता है कमी, लैक का मतलब होता है कमी, ऑफ अ मेजोरिटी, मेजोरिटी ए आया है, इसका मतलब ये मेजोरिटी क्या है, पक्का ही नाउन है। लैक से पहले द क्यों आया, कौन सी कमी, मेजोरिटी कमी, तो लैक डेफिनेट हो गया, द आ गया। द लैक ऑफ ए मेजोरिटी इन राज्यसभा, राज्यसभा में बहुमत की कमी, लैक का मतलब कमी होता है, वॉज कंसीडर्ड, वो मानी जा रही है,
कि पीछे सैड का हुआ, इसलिए वॉज आ गया, मानी जा रही है। कंसिडर यानी मानना होता है, वॉज कंसिडर्ड ए हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब बाधा, हिंड्रेंस का मतलब क्या है, बाधा फॉर द बीजेपी, किसके लिए, बीजेपी इन द फर्स्ट टर्म, पहले टर्म में भी, बीजेपी का सेकेंड टर्म है सरकार में, तो पहले टर्म में भी उनके लिए क्या मानी जा रही थी, वो बाधा मानी जा रही थी। कंसिडर यानी मानना, हिंड्रेंस एंड बाधा फॉर द बीजेपी इन द फर्स्ट टर्म, पर्टिकुलरली विशेष रूप से फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, किसके लिए, आर्थिक सुधारों के लिए। इकोनॉमिक का मतलब होता है आर्थिक, और रिफॉर्म्स का मतलब क्या होता है, सुधार होते हैं। तो अब इसमें दो वर्ड नए आए हैं, पहला हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है ऑब्स्टेकल, बाधा, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, देखो दो वर्ड हैं, ऑब्स्टेकल, ऑब्स्ट्रक्शन, अब से दोनों बाधा होती हैं, हैंडीकेप, बाधा, इंटरप्ट, किसी को बीच में परेशान करना, इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब भी बाधा होती है, ऑब्स्ट्रक्शन बाधा होती है, ऑब्स्टेकल बाधा होती है, सब के सब इसके सिमिलियर वर्ड हैं। फिर एक वर्ड हमने देखा रिफॉर्म, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, रिफॉर्म का मतलब होता है सुधार, इम्प्रूव करना किसी चीज़ को, बेटर बनाना, रिफाइन करना, मेंड चेंज करके अच्छा बना देना, और एक वर्ड होता है एमिल्योरेट, AMELIORATE, एमिल्योरेट, इसका मतलब भी क्या होता है, सुधार करना। तो इस तरीके से आज ने हमने बहुत शानदार सेशन किया, यदि आपको ठीक लगा हो तो अपने साथियों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा, और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।